डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। आज हम क्लोरोफाइसी के अंतर्गत गोनियम जीनस में स्ट्रक्चर और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन अगर हम देखें तो यह डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वोल्वोकेस और फैमिली वोल्वोकेसी के अंतर्गत आता है। चूँकि यह वोल्वोकेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें पाई जाने वाली जो सेल्स है वो सिंगल नहीं पाई जाती, बल्कि कुछ सेल जो है वो साथ में रहते हुए यानी हेल्ड टुगेदर एंड और वो कॉमन सलेश्मीय आवरण के द्वारा एक दूसरे से बंधित होकर कॉलोनी बनाती है। वोल्वोकेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाली जो कॉलोनी होती है उन्हें सिनोबियम कहते हैं। सिनोबियम दो प्रकार की होती है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। वोल्वोकेसी के अंतर्गत जो भी सिनोबियम आएंगी वो मोटाइल होंगी। तो फैमिली वोल्वोकेसी इंक्लूड ऑल द फॉर्म्स इन विच फ्लैजिलेटेड सेल्स डू नॉट सिंगली बट आर हेल्ड टुगेदर एंड आर सराउंडेड बाई ए कॉमन म्यूसिलेजिनस एनवलप टू फॉर्म ए कॉलोनी। उसके बाद सिनोबियम की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? ए कॉलोनी ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ सेल, यानी निश्चित संख्या की सेल्स अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक मैनर, विशेष तरीके से अरेंज होकर एंड फॉर्म एन इंटीग्रेटेड वॉल और एक यूनिट बनाती है, तब उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सिनोबियम कहते हैं। गोनियम की सिनोबियम के बारे में हम बात करें तो इसकी सिनोबियम थिन प्लेट लाइक होती है, जो कि ऊपर से या सरफेस से देखने पर रोम्बोइडल या स्क्वायर शेप्ड दिखती है। गोनियम में कई स्पीसीज होती है, तो जैसे स्पीसीज गोनियम सोशियल में चार सेल्स पाई जाती है, गोनियम पेक्टोरल में 16 सेल पाई जाती है और गोनियम ऑक्टेनेरियम में 8 सेल्स का सिनोबियम पाई जाती है। यहाँ पर हम जो डायग्राम देखेंगे उसमें टोटल 16 सेल्ड स्पीसीज, यानी 16 सेल्ड स्पीसीज हमने कहा था कौन सी होती है? गोनियम पेक्टोरल, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 16 सेल्स किस प्रकार से अरेंज होगी? चार सेल जो है वो तो सेंट्रल यानी बीच में और 12 सेल जो है वो इसकी परिधि या पेरिफरी पर अरेंज होगी और एक सामान्य सलेश्मीय आवरण के द्वारा ढकी हुई होगी और उसके बाहर एक बाउंड्री भी, फर्म बाउंड्री भी पाई जाएगी। अब बात आती है कि कॉलोनी की सेल्स किस तरह की दिखती है, तो सभी सेल्स जो है वो बिल्कुल एक जैसी होती है और कैसी होगी? क्लेमाइडोमोनस के जैसे होगी और आपस में ये जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ये जो कॉलोनी होती है इसमें इसका कोई भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड नहीं पाया जाता है। अब हम इसका पिक्चर देखते हैं, एक गोनियम कॉलोनी, गोनियम पेक्टोरल का ये पिक्चर है। इसमें हम 12 सेल्स दिखाई दे रही है, जिसमें से चार जो सेल्स है वो तो भीतर की तरफ है और बाकी जो 12 सेल्स है वो इसकी पेरिफेरी की तरफ दिखाई दे रही है। आपस में ये सेल्स जो है जुड़ी हुई रहती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से, जैसे दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर, और प्रत्येक सेल के अंदर इसके दो फ्लैजिला होते हैं। चूँकि हमने कहा था कि ईच सेल जो है वो क्लेमाइडोमोनस के जैसे होती है। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसमें दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें डॉटर कॉलोनी के फॉर्मेशन से होता है, डॉटर कॉलोनी के फॉर्मेशन से होता है और
Thus, all the cells involve simultaneously in the asexual process. और इस asexual reproduction में कॉलोनी की सभी सेल्स जो है वो साथ में ही भाग लेती है. In this way, a number of daughter colonies and autosynovia are formed. इस प्रकार से जो कॉलोनी होगी उसमें बहुत सारी पुत्री कॉलोनी या डॉटर कॉलोनीज बन जाएगी और इस प्रकार के सिनोबिया को क्या कहते हैं, ऑटो सिनोबिया. तो आफ्टर द डिवीजन द डॉटर प्रोटोप्लास्ट लाई इन द मदर सेल इन द फॉर्म ऑफ ए बाउल और कर्व्ड प्लेट द प्लेकिया. तो जब प्रत्येक सेल के अंदर डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा तो प्रत्येक सेल में क्या होंगे, इसके डिवीजन होंगे और ये डिवीजन होकर सेल्स बन जाएगी और वो सेल जो है प्लेट के रूप में अरेंज होती है और उस स्टेज को क्या कहते हैं, प्लेकिया स्टेज कहते हैं. क्योंकि पहले जो सेल्स बनेगी उनमें उनका फ्लैजिला जो होता है वो सेंटर की तरफ होगा, लेकिन बाद में उन सेल्स में क्या होगा, इन्वर्जन होगा यानी प्रतिलोमन होगा. तो बाय द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इन्वर्जन द बाउल शेप डॉटर कॉलोनी बैंड बैक सो दैट फ्लैजिलर एंड ऑफ सेल्स आर डायरेक्टेड आउटवर्ड एंड द सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लैट प्लेट करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पेरेंट कॉलोनी. तो पहले जो सेल्स बनेगी उनमें तो इन्वर्जन, उनमें जो फ्लैजिला होगा वो सेंटर की तरफ होगा, बाद में उन सेल्स में इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होने से उनके फ्लैजिला जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे. ये सब हम जो है नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे. देर इज नो फर्दर सेल डिवीजन अंटिल ए रिप्रोडक्टिव फेज सेट इन. उसके बाद में उनमें आगे सेल डिवीजन नहीं होगा. एक बार कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाने के बाद में उसमें उस कॉलोनी में आगे सेल डिवीजन नहीं होते हैं. जैसे कि हम इसको इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसे ए सेल जो है कॉलोनी की जो ए सेल है उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, दो सेल्स बन गई और दो सेल जो है उससे बाद में इस तरह से चार सेल और बाद में जो है पूरी इसकी कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन जो है इसमें डॉटर कॉलोनी के फॉर्मेशन से होता है. नेक्स्ट हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं. तो गोनियम इज हिटेरोथैलिक. हिटेरोथैलिक का अर्थ है कि इसमें जो मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे वो अलग अलग थैलस से आएंगे और उनके बीच में ही फ्यूजन होगा. एक ही थैलस के में बने हुए गैमेट्स का आपस में फ्यूजन नहीं होगा. इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन पाया जाता है. यहाँ पर जो है दोनों प्रकार के स्ट्रेन्स को प्लस और माइनस के द्वारा शो किया जाता है. तो हम देखते हैं जैसे फ्यूजन बिटवीन गैमेट्स टेक प्लेस व्हेन दे कम फ्रॉम टू सिनोबियम ऑफ ऑपोजिट मेटिंग टाइप कॉल्ड प्लस एंड माइनस. यानी जो दो गैमेट्स बनेंगे वो अलग अलग मेटिंग टाइप वाले थैलस से बने हुए होने चाहिए और उन अलग अलग थैलस को एक को प्लस कहेंगे और एक को माइनस कहेंगे. इस प्रकार हम कहेंगे कि वहाँ पर फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स है, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स जो है उनका नेचर अलग अलग होगा लेकिन मॉर्फोलॉजिकली द गैमेट्स आर अलाइक, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसा होगा. फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो मेल गैमेट होगा वो दूसरा जो फीमेल गैमेट है उससे अधिक एक्टिव होगा. ईच सेल इन द फ्रेशली फॉर्म सिनोबियम फंक्शन एज गैमेट. जो जिस सिनोबियम के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी जो सभी सेल्स है वो गैमेट्स के रूप में एक्ट कर सकती है.
द नेक्ड गैमिट एस्केप फ्रॉम द कॉलोनी इनटू द सराउंडिंग मीडियम, गैमिट्स बन गए हैं कॉलोनी में और ये गैमिट जो है सराउंडिंग मीडियम यानी वाटर के अंदर आ जाते हैं। द प्लस एंड माइनस स्ट्रेन गैमिट पेयर बाय मीन ऑफ देयर फ्लैजिला बट देयर फ्यूजन इज लेटर। पहले उनमें गैमिट्स में पेयरिंग जो होगी वो उनके एंटीरियर पार्ट से होता है लेकिन एक्चुअल जो फ्यूजन होगा वो लेटरल साइड में होगा। अब दोनों गैमिट्स के अंदर प्रत्येक में दो दो फ्लैजिला है तो जायगोट जो बनेगा वो कैसा होगा, क्वाड्री फ्लैजिलेट यानी उसमें चार फ्लैजिला होंगे। लेकिन जायगोट बनने के बाद में वह एक बार रेस्ट पर आ जाएगा और उसके जो फ्लैजिला होंगे वो विथड्रॉ हो जाएंगे या अपने ही तो हो जाएगा और जायगोट जो है वो राउंड शेप में आ जाएगा। जायगोट बनने के बाद में आपको पता है कि उसके ऊपर कुछ वॉल्स बन जाती है। अब इसको क्या कहते हैं, जायगोस्पोर कहते हैं। अब इसमें जो है जर्मिनेशन होगा लेकिन जर्मिनेशन से पहले यह कुछ समय तक रेस्टिंग स्टेज में रहता है। अब जायगोट डिप्लोइड है तो इसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होने से यहाँ पर चार न्यूक्लियस बनेंगे और यहीं पर जो है दोनों स्ट्रेन्स कौन से प्लस और माइनस स्ट्रेन जो है वो वापस अलग अलग हो जाते हैं। तो जो चार न्यूक्लियस बनेंगे मियोसिस के द्वारा उनमें से दो तो प्लस होंगे और दो कैसे होंगे, माइनस स्ट्रेन के होंगे। चार न्यूक्लियस में से या चार जो स्पोर बनेंगे यहाँ पर उनमें से दो प्लस के और दो माइनस के होंगे। इस पूरे को हम जो है इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं। आप यहाँ से देखिए डायग्राम ए है और डायग्राम बी, दोनों यहाँ पर जो थैलस है उसमें से एक को तो हमने कह दिया प्लस और एक को माइनस। अब दोनों थैलस में से क्या बनेंगे, इसकी जो सेल्स है वो गैमिट्स के रूप में क्रिया करती एक्ट कर सकती है। तो प्लस थैलस में से जो गैमिट होगा उसको प्लस स्ट्रेन और जो माइनस थैलस वाला जो गैमिट है उसको माइनस स्ट्रेन गैमिट कहेंगे। दोनों दिखने में एक जैसे होंगे, इनकी स्ट्रक्चर और इनकी शेप बिल्कुल समान होगी लेकिन इनकी कार्य की या फिजियोलॉजी अलग होगी। एक मेल गैमिट के रूप में एक्ट करेगा और दूसरा फीमेल के रूप में। ये डायग्राम में आप देखिए दोनों गैमिट्स का फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्यूजन स्टार्ट जो है वो एंटीरियर साइड से हो रहा है और धीरे धीरे ये फ्यूजन जो है इसके लेटरल साइड में आ जाएगा। एफ डायग्राम में आप देखिए फ्यूजन हो चुका है यहाँ पर और कितने गैमिट्स कितने फ्लैजिला बन चुके हैं, यहाँ पर चार फ्लैजिला बन चुके हैं। जी डायग्राम में देखिए, जी डायग्राम में यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा, दोनों गैमिट्स के न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा और एक डिप्लोइड न्यूक्लियस युक्त जो सेल होगी उसको जायगोट कहते हैं और उसके ऊपर जो है इसके आवरण बन जाएंगे। तो आवरण बनने वाली जो संरचना होगी उसको जायगोस्पोर कहते हैं। अब इस जायगोस्पोर के अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस होने से कितने न्यूक्लियस बन गए, यहाँ आप देख रहे हैं एच डायग्राम में चार न्यूक्लियस बन चुके हैं और ये चारों न्यूक्लियस कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। अब ये चारों न्यूक्लियस जो है इनको गोन्स कहते हैं, जी ओ एन ई एस गोन्स कहते हैं। और इन चारों न्यूक्लियस के अंदर अब फ्लैजिला का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियस में भी चारों न्यूक्लियस जो है अपनी चारों साइटोप्लाज्म को कलेक्ट कर लेंगे और साइटोप्लाज्म को कलेक्ट करके ये हैप्लोइड सेल्स बन जाएगी। उसमें से दो तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है और दो माइनस स्ट्रेन के हैं और ये चारों जो सेल्स है इनमें फ्लैजिला बन चुके हैं और ये चारों जो एक कॉमन म्यूसिलेजिनस एनवलप के द्वारा आपको घिरी हुई दिखाई दे रही है। ये जो चारों जो सेल्स बनी है इनमें अब आगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे और इन चारों सेल्स
से 4 सिनोबियम बन जाएंगे। के डायग्राम के अंदर आप देखिए, जे डायग्राम में 4 सेल्स थी, ये चारों अपनी अलग अलग कॉलोनी बना लेती हैं। डिवीजन हो गया, माइटोटिक डिवीजन होगा, 4 आप देख रहे हैं अलग अलग कॉलोनी बना लेते हैं, और जैसे ये पहली, ये दूसरी, तीसरी और ये चौथी, इन चारों में प्रत्येक में जो है अपनी निश्चित संख्या वाले जो सेल्स है वो इसमें बन जाएगी। आप देख रहे हैं प्रत्येक कॉलोनी के अंदर जो है 16 सेल्स जो है वो बन गई है। इनमें 4 माइटोटिक डिवीजन होंगे और 4 माइटोटिक डिवीजन से कितनी सेल्स बन जाएगी, 16। और हमने जो है 16 सेल वाले थैलस से स्टार्ट किए हैं। अब ये चारों कॉलोनी जो है अपने कॉमन म्यूसिलेजिनस आवरण को जिलेटिनाइजेशन के द्वारा तोड़कर जो है अपनी सराउंडिंग में बिल्कुल फ्री हो जाएगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस प्रकार का होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।